कौन कहता है लॉकडाउन सता रहा है? अरे हमसे पूछो, हमें तो मज़े पे मज़ा आ रहा है। हाँ, अब ये बात अलग है कि पहले हम गर्मियों की छुट्टियों पे मज़े लेते थे और आज छुट्टियाँ हमारे मज़े। एंड करंटली आई एम पासिंग डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। बात करते हैं टॉपिक की कि घर पर आपका लॉकडाउन कैसा बीत रहा है। तो दोस्तों, अब मैं अपने हर मोमेंट्स का स्क्रीन शॉट तो नहीं कर सकती, पर हाँ मैं अपने कुछ पलों को कैप्चर जरूर कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता आप सबका लॉकडाउन कैसा जा रहा है। शायद कुछ लोग घर के खर्चे को लेकर परेशान हो रहे होंगे, कुछ किसान अपने फसलों के घटते दाम को देखकर मायूस, कुछ लोग अपने परिवार वालों के साथ बैठकर रामायण का आनंद ले रहे होंगे, कुछ लोग अब पढ़ाई का क्या होगा ऐसा सोचकर परेशान हो रहे होंगे, तो कुछ लोग लॉकडाउन के बाद हम अगली क्लास में चले जाएंगे ऐसा सोचकर खुश। किसी कंपनी के COMD अपने बिजनेस के ठप हो जाने पर लॉस सोचकर अपना माथा लाल कर रहे होंगे, तो कहीं किसी घर का मुखिया जो 3 साल से अपने परिवार वालों से नहीं मिला था, वो मिलकर खुशी के गीत गा रहा होगा। क्या वक्त बदला है ना, कभी घर में बैठे लोगों को निकम्मा कहा जाता था और आज उन्हीं लोगों को समझता। मेरे लिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है कि मेरा लॉकडाउन क्या। फ़ोन में हॉलीवुड मूवी लगाकर भाई बहनों के साथ बैठकर देखना और मम्मी पापा के डांटने पर किताब खोलकर तो बैठ जाना, पर उस किताब की आड़ में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पर्ची तब दिन भर सबसे लड़ाई और शाम को पकड़म पकड़ाई, कभी टायर फेंक कभी गिल्ली डंडा तो कभी छुपम छुपाई, पर हाँ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। शायद ये उन दिनों में कभी नहीं हो पाता था जब हम सुबह से शाम तक स्कूल में बिजी रहते थे और शाम को घर आने के बाद फिर पढ़ाई। इसके बाद इंटरनेट नहीं यूज करते, बल्कि हम तो सोशल मीडिया के सबसे बड़े फैन हैं। पर हाँ, मेरा मानना है कि वो चीज़ का शौक रखना बहुत अच्छी बात होती है, पर उसकी लत लगना सबसे। अगर आपका फ़ोन में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसी में इंटरेस्ट दिखाओ, और ऐसा इंटरेस्ट दिखाओ कि दुनिया आप में इंटरेस्टेड हो जाए। वो कहते हैं ना कि अगर इरादों में जुनून हो तो हम आसमान को भी धरती पर ला सकते हैं। हमें अपने इरादों में इतना जुनून नहीं चाहिए कि आसमान धरती पर आ जाए, पर हाँ इतना जुनून ज़रूर चाहिए कि धरती का हर इंसान आसमान तक पहुँच जाए। मैं कभी अपने सपनों के पीछे नहीं भागती, क्योंकि मेरे सपनों को उड़ने के लिए पंख नहीं चाहिए, उन्हें बस एक हौसला चाहिए, और इसीलिए मेरे सपने हमेशा मेरे साथ। देखिए मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर हाँ ज्ञान की प्रेमी जरूर हूँ, और मैं कोई साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, पर हाँ मैं अपने जीवन में हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती। लॉकडाउन का टाइम है, बहुत से लोग बोर भी हो रहे होंगे, और आपके इस बोरिंग से बचने के लिए अदर एक्टिविटीज़ का सहारा ले रहे हो, जैसे नॉवेल पढ़ना, क्राफ्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, सोशल मीडिया पर अपडेट रहना और उन कामों को करना जो आप किसी कारणवश नहीं कर पाए। और रही बात मेरी, तो मेरा कब सुबह 8 से रात 8 बज जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम का यूज़ करना नहीं आता, एक्चुअली मुझे मेरे किसी भी काम को पेंडिंग में रखना बिल्कुल नहीं पसंद है। बुक्स पढ़ना, मूवीज देखना, हैकिंग ट्यूटोरियल सीखना, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना, भाई बहन के साथ खेलना, मस्ती करना और उन्हें पढ़ाना, कविताएँ बनाना और सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहना, इन कामों में वक्त कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और आप कह रहे हो वक्त नहीं बीत रहा, अरे भाई वक्त तो बीत रहा है, पर आप वक्त के साथ नहीं चल पा रहे हो। क्या आपको दिन भर घर में रहना बोर कर रहा है, या आपको अपने मम्मी पापा के साथ रहना बोर? जरा इन पेड़ पौधों को देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, प्रकृति आपदाओं को भी सहते हैं, पर फिर भी हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। और हम अपने सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ महीने तक एक जगह पर नहीं रह सकते, डिपेंड आप पर करता है। सीखने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, वक्त का पल पल हमें कुछ नया सिखाता है। जरूरत है तो बस उस नजरिए की जो उसे सीख सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ एंजॉयफुल लॉकडाउन। स्टे होम, स्टे सेफ।